Good morning, students. Students, today we are going to start the new exercise, that is 14.2. You could see in our textbook exercise 14.2. Okay, in that we are going to deal with the question number 1. This is all about the rotation symmetry of order more than 1. Students, I hope you will remember what is the rotational symmetry. If you turn your this figure 90 angle, after that, if it is the similar of this figure, then you could see that is a rotation symmetry. And in complete 360 degree, how many times that circle formed as it is, or you could say similar figure in 360 degree, that is called rotational symmetry, order of more than one. So here I am going to deal with these questions, and after that question number 2. Let's start without wasting our time, students. This is the first question. What is written? Which of the following figure have the rotation symmetry of order more than 1? कौन सा ऐसा figure है जिसमें इन फिगरों की जो symmetry है वो order more than 1 है, मतलब एक से ज़्यादा बार वो formed हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, दिस इज आवर सर्कल. सर्कल को आप 90 डिग्री पर ड्रॉ करोगे तब भी वैसे होगा, 180 पर करोगे वैसे ही होगा, 270 पर करोगे वैसे ही होगा, 360 डिग्री पर करोगे वैसे ही होगा. तो इसकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, दैट इज व्हाट, 4 डिग्री. ओके, इसका जो है 4 है. इसके बारे में बात करें, दिस इज योर इक्विलेटरल ट्राइंगल. इफ यू रोटेट दैट ऑन द डिग्री ऑफ 120 पे इसको रोटेट करोगे, ये आपको वैसे का वैसा मिलेगा. अगेन 240 पे करोगे, फिर भी आपको वैसे का वैसा ये देखने को मिलेगा, एंड 360 डिग्री पर भी आपको एज इट इज़ देखने को मिलेगा. सो इसका भी जो फिगर है वो कैसा है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कैसा है, इसका मोर देन 1 है. इसका रोटेशन सिमेट्री 1 है, क्यों स्टूडेंट, ये पूरा 360 डिग्री घूमेगा तब जाके वैसे का वैसा दिखेगा, अदरवाइज ये दिखेगा नहीं. तो सी हमारा जो है ना वो क्या है, ऑर्डर उसका 1 है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. एच की बात करें, एच आपको 180 डिग्री पर वैसा का वैसा, ये देखो ये 90 डिग्री पर ऐसा आ जाएगा फिर वैसा हो जाएगा. तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री है वो 2 है, इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो 3 है, और इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी है, 4 है. तो ये ए बी डी ई एफ ये कैसे हुई, ये रोटेशन सिमेट्री मोर देन 1 है, और आप कह सकते हो ऑर्डर जो है वो कैसा है, एक से ज़्यादा है. सो देयरफॉर आई हैव रिटन हियर द फिगर ए बी डी ई एंड एफ हैव द रोटेशनल सिमेट्री देन वन, मोर देन 1 है ना, सिमेट्री मोर देन 1, ये है आप लिखोगे मोर देन 1, एक से ज़्यादा है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 फाइनली वी हैव कंप्लीटेड. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो लेट मी शो यू वेयर इज क्वेश्चन नंबर 2. इन दैट चैप्टर यू कुड सी हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 2. And what is written? Give the order of rotation symmetry of each figure. हर एक फिगर का हमको क्या करना है, उसका ऑर्डर फाइंड करना है. ऑर्डर मतलब 360 डिग्री में कितनी बार ऐसा होता है कि ये बिल्कुल एज इट इज़ दिखने लग जाए, है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किए हैं, मैंने ए बी सी 3 क्वेश्चन किए हैं, एकदम पिक्चर शो करके. एंड आफ्टर दैट हमने डायरेक्टली इनके एंगल काउंट करके उसके बेस पे इसको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री लिख दिया है. चलो देखते हैं कैसे करना है. दिस इज आवर क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक्चुअल में फर्स्ट फिगर है, और इसमें फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर कितना है, राइट. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, ये मान लो हमारे पे एस यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ, तो पहली बार इसको मैंने 180 डिग्री किया, तब ये कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा स्टूडेंट्स, है ना. 180 डिग्री क्या किया मैंने, इसको मूव कर दिया 180, राइट. तो ये जो एस है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना. अगेन अब इसको क्या करो, फिर से 180 डिग्री आप रिमूव कर दो, इसको मूव करो, तो एस अगेन यहाँ पे आ जाएगा. तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना हुआ, तो लेट अस टेक एन अ पॉइंट एस ऑन एंड वन एंड, इसके एंड पे हमने रख दिया, ऑफ द गिवन फिगर रोटेटिंग बाय 180. अब जैसे ही रोटेटिंग करते एस कम्स एट द अदर एंड, इस साइड एस आ जाता है ना. और उसके बाद अगेन, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं. तो देखें, ये आई हैव रिटन,
अगेन रोटेटिंग बाय 180 इट कम्स एट द इट्स ओरिजिनल पोजिशन. अगर फिर से आप उसको रोटेट करोगे तो आप देखोगे वो अपनी जगह वापस आ गया है. तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री दैट इज 360 डिवाइड बाय 180 एंड फाइनली आंसर इज 2. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आप इसका बी देखेंगे. ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, राइट. एंड व्हाट इज रिटन, यहाँ हमारे पास एस है, राइट. और एस को 180 डिग्री पर अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इधर आ जाएगा, राइट. ये दिख रहे हो आप, यहाँ आ गया. फिर से आप इसको 180 करेंगे तो ये 80 वहाँ चला जाएगा. तो क्या हुआ, टेक एनी पॉइंट एस इन द फिगर 1. पहले मैं एस कहीं भी ले लिया, मैंने यहाँ पर ले लिया. इट कम्स टू रोटेशन टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. इसको अपनी पोजिशन पर वापस आने के लिए दो बार राउंड करना पड़ता है. एक तो 180 गया तो यहाँ पे 80 आ गया, फिर से करेगा तो फिर से वापस 80 यहाँ पे आ जाएगा. तो व्हाट इज रिटर्न, यहाँ हम देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री. इसका देखो, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री दैट इज वॉट 360 डिग्री अपॉन 180. इसको लो फाइनल आंसर क्या आया, 2. क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सी. ओके, तो अब हमारे क्या ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या आया था, 2 आया था. अब क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर सी में इस तरह से ड्रॉ किया है, ये हमारे पास सिंपली उन्हें इस तरह से ड्रॉ किया है, पर मैंने इसको एंगल में डिवाइड किया. तो ये हमारा देखो 120 डिग्री आपको देखने को मिलेगा. ये भी 120 है, ये भी लास्ट में फिर से 120 डिग्री आया. तो ये हमारा ओरिजिनल शेप है. इसको 120 पर खींचा तो ये पी कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा. ये फर्स्ट फिगर है, राइट. और ये हमारे पास सेकेंड फिगर है, और ये हमारे पास थर्ड फिगर है. तो हमने फिर से 120 फिर से इसको ड्रैग करोगे तो ये इस तरह से फॉर्म्ड होगा, राइट. देख सकते हैं आप लोग. एंड अगेन फिर से अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो आप देखो 120 डिग्री यहाँ पे वापस टर्न होके वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है. दैट्स व्हाई व्हाट आई हैव रिटन, देखते हैं. मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी सब. टेक एनी पॉइंट ऑफ द गिवन फिगर, इट टेक्स 3 रोटेशन टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री दैट इज 360 डिवाइड बाई 120 इक्वल टू 3. तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा. चलो डी में देखें, इस तरह का सेप दिया हुआ है. फ्रेंड्स आप जानते हैं ये जो सेप है वो कितने का, 90 का है, राइट. सॉरी पूरा वाला यहाँ से यहाँ तक. ओके, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना हो जाएगा भाई, जैसे ये 90 एंगल, ये भी 90 एंगल, ये भी 90 एंगल, ये भी 90. तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री आपका आएगा 360 बाय 90 इक्वल टू 4. अच्छा ई मैंने किया नहीं है, आप देख सकते हैं ई नहीं किया है, एफ भी नहीं किया है, जी भी नहीं किया है, जी एफ जी वो भी आपका होमवर्क में, और एच भी आपका होमवर्क में है, ये भी आपको होमवर्क में ही कर देना है. अच्छा मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, ई वाला क्वेश्चन के अंदर 360 डिवाइड बाई 90 करना है. अच्छा एफ वाले में आपको 360 बाय 5 करना है, और 360 बाय 6 करना है जी में, और एच में 360 बाय 3 करना है. आई होप स्टूडेंट्स यू वुड अंडरस्टैंड एंड यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ. हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.3 करने वाले हैं, ठीक है. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 14.3. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या लिखा है. नेम एनी टू फिगर्स हैव बोथ लाइन सिमेट्री एज वेल एज रोटेशन सिमेट्री. देखो स्टूडेंट्स इसका आंसर देखने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे इस तरह से. एक सर्कल आपको इस तरह से ले लेना है ना, और उसके बाद एक आपको स्क्वायर भी बनाना है साइड में. तो स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग स्केल, चलो स्केल ले लेते हैं, यहाँ पर स्केल है, और एक अच्छा सा स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग. तो उसके लिए हम लोग कुछ सेंटीमीटर फिक्स कर लेते हैं, 1 to 4 मैंने यहाँ पर चूज़ किया, तो यहाँ पर मुझे 1 to 4 ही करना पड़ेगा, ठीक है. जैसे क्या कम्प्लीटली हमारा क्या बने, स्क्वायर बनेगा. तो ये 1 to 4 मैंने इधर भी ले लिया, अगर इस साइड आ गया तो इस साइड भी क्या होगा, 1 to 4 ही होगा, राइट. तो ये भी 1 to 4 हम इस साइड चूज़ कर लेते हैं. अब जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं इसको, नाउ वी हैव ड्रॉन 2 सर्कल. अब इसके अंदर हम क्या करना है, आपको रोटेशन सिमेट्री फाइंड करना है और लाइन सिमेट्री एंड रोटेशन सिमेट्री. तो लाइन सिमेट्री देखो स्टूडेंट्स, एक लाइन तो ऐसे बन सकती है इसमें, यस और नो, यस. तो रोटेशन सिमेट्री, इसमें रोटेशन सिमेट्री भी है,
और ये वाली बात करें, ये भी क्या है स्टूडेंट्स, ये भी तो हमारे पास लाइन सिमेट्री है और रोटेशन सिमेट्री भी है सेम। इसमें देखें ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, लाइन सिमेट्री। इसमें देखें ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लाइन सिमेट्री राइट। इसमें देखोगे ये स्क्वायर है आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाइन सिमेट्री। अगेन आप इसमें देखें ये हमारा सर्कल, ये हमारा क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखें ये जो है लाइन सिमेट्री, यही हमारा लाइन सिमेट्री है, रोटेशन सिमेट्री भी हो सकता है, ये हमारा लाइन सिमेट्री है और रोटेशन सिमेट्री भी हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, सर्कल एंड स्क्वायर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू देखें, व्हाट इज रिटन क्वेश्चन नंबर टू। इन क्वेश्चन नंबर टू दैट इज मेंशन, ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल विथ लाइन एंड रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। एक हमें पास ट्राइंगल बनाना है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इक्वलर ट्राइंगल बनेगा इस केस में स्टूडेंट। इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये तीनों साइड कैसा होता है, उसमें सेम होता है राइट। और आप उसमें क्या कह रहा था, देखो फिर से एक बार देखें, लाइन ऑन रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन होना चाहिए। देखो एक तो आप ऐसे इसमें लाइन सिमेट्री निकाल सकते हैं, आप जानते हैं, और एक इस तरह से भी लाइन सिमेट्री आप बना सकते हैं इसको राइट, ये भी लाइन सिमेट्री बन जाएगा, और उसके बाद इस तरह से भी लाइन सिमेट्री आपका फॉर्म हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ओवर आप देख सकते हैं कि हमने तीन लाइन सिमेट्री मिलेगी यहाँ से हमको, ठीक है। तो ये क्या है, मोर देन वन है ना, यहाँ पे आपको रोटेशनल सिमेट्री जो मिलने वाली है वो कितनी होगी, रोटेशनल सिमेट्री आपकी कितनी होगी, वो आपकी यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो थ्री तो होने वाली है ना, और लाइन सिमेट्री भी कितनी है, लाइन सिमेट्री भी आपके पास थ्री है राइट, वो भी क्या है, थ्री है। तो क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट हमारा कैसा हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर टू देखें, इन क्वेश्चन नंबर टू दैट इज रिटर्न समवॉट अ ट्राइंगल विथ ओनली लाइन सिमेट्री एंड रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। तो एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल इसका एग्जाम्पल है, आइसोसेलेस में आपको याद दिलाऊं, दो जो इसकी साइड होती है वो कैसी है, वो इक्वल होती है, मतलब ये और ये कैसा है, ये और ये कैसा है, सेम है। तो इसमें से जो सिमेट्री लाइन निकलेगी वो क्या निकलेगी, एक निकलेगी। बट व्हाट इज अ ट्राइंगल विथ ओनली लाइन सिमेट्री, एक लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। तो इसका क्या है, एक ही ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एग्जांपल में लिखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका रोटेशन सिमेट्री वन होता है, रोटेशन सिमेट्री आप देखोगे तो आपको मिलेगा वन है ना, और लाइन सिमेट्री भी क्या मिलेगा, लाइन सिमेट्री अगर आप देखते हो तो वो भी क्या है, वन ही है राइट। क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर, क्वेश्चन नंबर थ्री आया हमारे पास, इसको मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। इसमें हमारा आएगा नॉट पॉस, इसमें लिखेंगे नॉट पॉसिबल, थर्ड वाले में नॉट पॉसिबल, और उसी का थर्ड क्वेश्चन नंबर टू का मेरे पास थर्ड था, और फोर्थ में हम ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे। ट्रेपेजियम स्टूडेंट्स कैसा होता है, लेट मी शो टू यू, कि इसका ऊपर वाला साइड छोटा होता है, नीचे वाला साइड क्या होता है, बड़ा होता है, कुछ इस तरह से होता है। राइट, ये जो लाइन होती है वो क्या होती है, सिमेट्री होती है। तो क्या लिखा, अकॉर्डिंग विथ लाइन सिमेट्री बट नॉट आर रोटेशन सिमेट्री। तो इसका क्या होगा, लाइन सिमेट्री है, लाइन सिमेट्री क्या है, सिमेट्री वन है बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री।
Right, students? So here I am going to finish our lecture. In next lecture, we will cover the question number 3. Till the time, ये आपके पास लिखा देता हूँ, ट्रेपेजियम है, ठीक है? थैंक यू.